क्या आज की तारीख में जो हमारे बुनियादी अधिकार हैं, जैसे ये सवाल तो विनोद विजय जी ने अच्छा उठाया कि भाई अगर इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल है तो आशुतोष कैसे इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं और कैसे इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपातकाल में तो इसकी इजाजत नहीं मिलती, नहीं मिलनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, किस तरीके से वो सरकार के बारे में कहते हैं कि आपकी तो नीतियां ही पूरी तरीके से गलत है और उनसे कहती है आप फाइल की नोटिंग हमको दिखाइए, तो ये आरोप आप पूरी तरीके से गलत मानते हैं या आपको लगता है कि इस आरोप में दम है? देखिए, स्थिति एकदम अलग है और स्थिति अलग इसलिए है कि यह देश एक विचारधारात्मक अनुकूलन के दौर में है। आप अगर ये कहें कि आपातकाल किसके लिए है तो मैं कहूंगा कि आपातकाल मुसलमानों के लिए है। यह बात सुनने में बहुत बुरी लग सकती है लोगों को, लेकिन पिछले 7 वर्ष से आपातकाल मुसलमानों के लिए है। आप जब चाहें जिस मुसलमान के घर में घुस सकते हैं, उसका फ्रिज खोल सकते हैं, जांच कर सकते हैं, उसे रास्ते में रोक सकते हैं, ट्रेन में उतार सकते हैं, उसकी पिटाई कर सकते हैं, आप किसी के घर जा सकते हैं या कह सकते हैं कि तुमने शादी की है तो धर्म परिवर्तन किया है। इस चीज़ का असर इस देश के बहुसंख्यकों पर नहीं पड़ रहा, इसलिए उनको इसकी गंभीरता का कोई एहसास नहीं और वो इसकी साझेदारी भी नहीं करते, क्योंकि उनको इसका पूरा आश्वासन है कि यह उन पर कभी नहीं होगा, उनके साथ कभी नहीं होगा, तो वे ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आपातकाल है। और मुझे नहीं लगता कि आपातकाल जैसे शब्द का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दूसरी अवस्था है। दूसरे के जहाँ तक मीडिया का प्रश्न है, तो भारत में मीडिया, वह चाहे हिंदी का हो और भाषा का मीडिया अधिकतर, और अब अंग्रेजी का मीडिया भी यह दिखलाई पड़ता है कि उसने अपने आप को विचारधारात्मक रूप से शासक दल के साथ कर लिया है। ये 80 के दशक से हम लोग देख रहे थे, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस का अभियान चल रहा था, उस समय से हिंदी मीडिया ने अपने आप को राम जन्मभूमि अभियान का प्रवक्ता बना दिया था प्राय। तो यह जो राजनीतिक संगति है, और तीसरी राजनीतिक संगति है भारत में कॉरपोरेट जगत की विचारधारात्मक संगति इस शासक दल के साथ, और इस कॉरपोरेट जगत ने 2013 के पहले से यह तैयारी शुरू कर दी थी कि वह दिल्ली में किसे प्रधानमंत्री बनाकर लाएंगे। रतन टाटा का बयान आप याद कर लीजिए, बाकी लोगों के बयान याद कर लीजिए, और ये शायद एक लेन देन का व्यापार था कि हम आपको हिंदुस्तान सुपुर्द करेंगे, आप इसे सांस्कृतिक रूप से बदल दीजिए और आप हमें हिंदुस्तान के सारे संसाधन सुपुर्द कर दीजिए और उसमें कोई सवाल ना करें। मुझसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक व्यक्ति ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, हमें आर्थिक नीतियों की कोई फिक्र नहीं, आप जब हमसे ये कहते हैं कि हमारा स्वदेशी जागरण मंच है वगैरह, तो हम ये कहते हैं कि कॉरपोरेट जगत के साथ जो भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सरकार कर रही है, उस पर हमें ऐतराज नहीं है, जब तक कि देश को सांस्कृतिक रूप से बदलने के लिए हमें आजाद छोड़ दिया जाए। तो कॉरपोरेट जगत की भी एक आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट या राजनीतिक संगति इस सरकार के साथ हो गई है, इसलिए यह दिखलाई पड़ रहा है कि किसी जोर जबरदस्ती की जरूरत ही नहीं है। एक कार्टून मैंने अभी देखा जिसमें कोई ये पूछ रहा है कि आखिर इंदिरा गांधी को संविधान स्थगित करने की जरूरत ही क्या पड़ी थी, अगर बिना संविधान स्थगित किए यह सब कुछ किया जा सकता है। तीसरे कि मैं, यह बात सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन यह मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अब अप्रासंगिक कर दिए गए हैं, वो आप हों, विनोद अग्निहोत्री हों, इरफान हबीब हों या कोई हों, बहुसंख्यकों के लिए आपका बोलना और लिखना अप्रासंगिक है, इसलिए आप बोलते रहें, एक शोर है और उससे शासक दल को कोई बहुत परेशानी नहीं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसी एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर 4 दिन के भीतर या 1 हफ्ते के भीतर 4 FIR करती है, हम में से किसी पर भी अगर 1 FIR हो जाए तो हमें पता है कि हमारी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। अगर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे 1, 7, 4, 5, 6 किसी बहुत वरिष्ठ पत्रकार के घर अचानक पुलिस पहुंच जाए हिमाचल प्रदेश से और कहे कि आपको चलना है और वो भागदौड़ करने लगे कि उसे जमानत करानी है, तो ये संदेश बाकी सारे मीडिया कर्मी ले लेते हैं कि उनको किस प्रकार व्यवहार करना है। सिर्फ यही नहीं है, मैं चूंकि विश्वविद्यालय में काम करता हूँ, किताबें लिखने और बाकी चीजों से हम लोगों का ताल्लुक है, लेख लिखने से,
तुम्हें यह पता है कि प्रकाशक हमसे क्या कहते हैं, एक एक लेख की लीगल वेटिंग होती है, एक एक शब्द की लीगल वेटिंग होती है। हमें यह बतलाया जाता है कि यह वाला वाक्य हटा दीजिए। मैं अभी कल का वाक्य बतला सकता हूँ। मेरी एक मित्र हैं जो एक जगह वर्कशॉप ले रही थी और उन्होंने 2-3 स्लाइड बनाए थे। उन्हें वहाँ के जो आयोजक थे उनकी तरफ से फोन आया कि आप फला फला स्लाइड बदल दें। जाहिर है यह सरकार की तरफ से निर्देश नहीं आया था, यह अपने आप किया जा रहा था। तो जिसे आप सेल्फ सेंसर कहते हैं, यह सेल्फ सेंसर, या आप विदेश, आप पुस्तकों के प्रकाशकों से पूछिए, उनके अमेरिका के एडिशन, यूरोप के एडिशन और भारत के एडिशन में कितना फर्क है। वेंडी डोनेगर की किताब अब कौन स्वीकार करेगा, कौन स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए भारत बदल चुका है, और भारत इसलिए बदल चुका है कि भारत में एक बहुसंख्यक निजाम काम कर रहा है, और उसकी बहुसंख्यकवादी राजनीति से बहुसंख्यकों को कोई परेशानी नहीं है। कुछ चंद सरफिरे सेक्युलर लोगों को छोड़कर, मानवाधिकार की बात होगी तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि यूएपीए के अंतर्गत अगर 16 लोग भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार हैं, अगर 21 लोग दिल्ली की हिंसा के मामले में षड्यंत्र में गिरफ्तार हैं, तो पुलिस ने किस प्रकार एक विचारधारात्मक भूमिका ले ली है। और मैं एक कदम आगे जाकर कहना चाहूंगा, हमने थोड़े दिन पहले हाशिमपुरा पर बात की थी, विनोद अग्निहोत्री जी के साथ मौजूद थे। मैं कुछ खतरा उठा के यह कहना चाहूंगा कि यह विचारधारात्मक अनुकूलन सेना का भी हो रहा है और उसके प्रमाण दिखलाई पड़ रहे हैं। भारतवर्ष कहाँ है यह कोई भी जागरूक व्यक्ति जान सकता है और समझ सकता है। हम अपने आप वह सब कुछ करने को तैयार हैं जो शासन चाहता है। इसलिए आप पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती करने की जरूरत है। अपूर्वानंद जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर, सरकारों का स्वभाव दंडात्मक होता है, वो रिप्रेसिव होते हैं अपने नेचर में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे वो आईके गुजराल की सरकार हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां लोगों को मालेगांव में 12-12 साल तक, और कांग्रेस के जमाने में वो हुआ, तो आज क्यों इतना हायतोबा मचाया जा रहा है विचारधारा को लेकर। जो मैं इरफान भाई की इस बात से पूरी तरीके से सहमत होते हुए भी थोड़ा सहमत हूं कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की सरकार की भी एक विचारधारा थी, हाँ, उस विचारधारा के अंदर कितना असहमति के लिए जगह था वो अपने आप एक सवाल था। तो अगर रिप्रेशन था तो रिप्रेशन तो पहले भी था, रिप्रेशन आज भी, आज क्या बदला है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि आज एक बुनियादी चीज बदल गई है, और वो बुनियादी चीज ये बदली है कि आशुतोष, विनोद अग्निहोत्री, विजय त्रिवेदी और अपूर्वानंद नाम को वह असुरक्षा नहीं है जो असुरक्षा इरफान हबीब के नाम के व्यक्ति के साथ है, और एक प्रकार से उस नामधारी व्यक्ति का जीवन भारत में अनिश्चित है। इस बात को समझ लेना चाहिए और इसको टांक लेना चाहिए दिमाग में। जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं मालूम है कि जर्मनी में दरअसल यहूदियों को क्या लगता होगा और कैसे वह जनसंघार शुरू हुआ जो हुआ होगा, और उसके पहले क्यों बाकी जर्मन इत्मीनान से थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। यह एक बुनियादी चीज बदल गई। दूसरी बुनियादी चीज ये बदली है, जो विचारधारात्मक परिवर्तन की बात नहीं है। विजय जी जो कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में हर प्रकार के विचारधारा के व्यक्ति नियुक्त भी होते रहे, काम भी करते रहे। किसके पास कितनी बौद्धिक प्रतिभा थी, वो कितनी किताब लिख सका, अपने क्षेत्र में वो कितना सक्रिय हो सका, ये उस पर था। यह अलग बात है कि वामपंथी जो इतिहासकार थे और बाकी लोग थे वो कुछ ज्यादा मेहनती थे, आर्काइवल वर्क उनका ज्यादा बेहतर था, बाकी चीजें ज्यादा अच्छी थी। बाकी लोग सिर्फ अतीत का कीर्तन कर रहे थे। वो अगर उसी को आप विद्वत्ता कहेंगे तब मुझे कुछ नहीं कहना है कि आप अतीत का कीर्तन करते रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी क्या फर्क हुआ है, अभी फर्क ये हुआ है विश्वविद्यालयों में कि एक तरह की गुंडागर्दी ने कब्जा कर लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब आप स्वतंत्र रूप से सेमिनार सिंपोजियम नहीं कर सकते, एक सेंसरशिप कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने लागू कर दी है। आप दूसरे विश्वविद्यालयों में जाएं, ये सेंसरशिप लागू है। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड किया गया, इसलिए कि वो एक क्लास ले रहा था और उस पर
जो शासक दल है उसके छात्र दल ने आरोप लगाया और एक दूसरे शासक दल के सदस्य ने आरोप लगाया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, तकरीबन एक महीना सस्पेंशन रहा, उसके बाद उसे माफी लेने को मजबूर मांगने को मजबूर किया गया और सस्पेंशन वापस हुआ। तो एक अगर विश्वविद्यालयों को देख लें, शिक्षा संस्थानों को देख लें, एनसीईआरटी के भीतर देख लें, स्कूलों में देख लें, अब यह आप मुझे बताइए कि इस देश में कब हो रहा था कि यूजीसी हर विश्वविद्यालय को पत्र लिख रही है कि आप अपने यहाँ बैनर लगवाइए कि नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया जाए वैक्सीनेशन के लिए। यह कब हुआ था इस देश में कि यूजीसी और मिनिस्ट्री हर विश्वविद्यालय को लेटर लिख रही है कि आप अपने यहाँ वीरता दीवारें खड़ी करें और सारे परमवीर चक्र विजेताओं और अशोक चक्र विजेताओं के नाम उस पर दें और 273 फीट से ऊपर का झंडा लगाएं ताकि राष्ट्रभक्ति की तरंग हर व्यक्ति को विश्वविद्यालय के कोने कोने में पहुंचती रहे। ये कब हुआ था? ये इस देश का वल्गराइजेशन है, मैं इसको घटियाकरण कहता हूँ, मैं इसको सैफ्रनाइजेशन कहने से इनकार करता हूँ इसका, क्योंकि इसमें कोई विचार नहीं है। यह आपको इतने घटिया स्तर तक ले जाना है और आपको अधीनता की उस अवस्था में ले जाना है जहां एक वाइस चांसलर अपने प्रोफेसर के सामने सर उठा के खड़ा नहीं हो सकता। वो ये कहता है आपको तो पता ही है आजकल हालात कैसे हैं, आप क्यों इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च चले जाइए और प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, आप ICSSR के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर दबाव देख लीजिए, तो आपको तब यह पता चलेगा कि फर्क क्या पड़ा है। और जैसा मैंने कहा, मेरे लिए सबसे बुनियादी चिंता का विषय यह है कि भारतवर्ष में अब एक ईसाई और एक मुसलमान और अगर मैं कहूँ तो दलित भी एक अनिश्चित जीवन जी रहा है। हम सब लोग एक बहुत सुविधाजनक स्थिति में हैं, हम उतना अनिश्चित जीवन नहीं जी रहे हैं। इस बात की गंभीरता को यदि हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना, इसके बाद कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। लक्षद्वीप में जो वहां के प्रशासक ने किया, अगर वह इस देश के लिए शर्म की बात नहीं है, उसके लिए हमें आपातकाल जैसे शब्द का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमेशा तुलना करनी पड़ेगी जी, तो फिर हम कहां पहुंच गए। लक्षद्वीप का प्रशासक यह कहता है कि आप मटन नहीं खा सकते, आप बीफ नहीं खा सकते, वहां की 97% आबादी मुसलमानों की है, आप वहां की पूरी खाने पीने की आदत बदल देना चाहते हैं, आप ये कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अब यहाँ शराब बिकेगी। ये वो कह रहा है प्रशासक जो गुजरात का है, जहाँ गुजरात में शराबबंदी है, वो कह रहा है कि यहाँ टूरिस्ट आने चाहिए, गुजरात में टूरिस्ट नहीं जाने चाहिए, गुजरात में सोमनाथ है, गुजरात में अनेक पर्यटन स्थल हैं, वहां क्यों नहीं शराब बिकनी चाहिए बाकी जगहों पर। तो एक धोखा हम खुद अपने आप को दे रहे हैं, ये बहुत सरल सी बात है, हम अपने आप को धोखे में न रखें। ठीक है, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।